वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम किस तरह से यूज करते हैं ये कवर करें। अगर आपका डेटा सेट कुछ इस प्रकार के है और आपको ये वैल्यू जो है, जैसे कि ये वैल्यू जो है आपको अलग अलग कॉलम में जो है इसको शिफ्ट करना है, तो उसके लिए एक्सेल में एक ट्रिक्स है आपके लिए। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि इसमें कॉमन चीज़, मतलब जो दो वैल्यू के बीच में क्या चीज़ है जो कि कॉमन है। जैसे कि मैं यह चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस है, इसके अलावा और कुछ नहीं, राइट। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपके डेटा सेट को, जो पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेटा टैग के अंदर में टेक्स्ट टू कॉलम करके एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यह डिलिमिटेड करके एक पूछता है, इस पर क्लिक करना है आपको। मतलब ये तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट रहेगा इस पर। उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। अभी यहाँ पर ये डिलिमिटर्स पूछ रहा है, मतलब कि टैब, सेमी कोलन, कॉमा, स्पेस या अदर जो भी रहेगा। जैसे कि हमने पहले ऑब्जर्व किया कि हमारे डेटा सेट में जो है स्पेस है दोनों वर्ड के बीच में, तो हम यहाँ पर स्पेस को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट का जो बटन है वो प्रेस करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पर इस तरह से आएगा, फिर दोबारा से हमको फिनिश का बटन दबा देना है लास्ट में। तो ये देख लीजिए, आपका जो डेटा सेट है वो दो कॉलम में अलग अलग डिवाइड हो चुका है। तो इसका प्रैक्टिस वर्कबुक जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जो है, मतलब मेरी वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हैं।